दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये जो बड़ी सी बोट दिख रही है आपको, उसी से हम जाने वाले हैं कहीं। जी हाँ, सही सोचा, मैं अंडमान में हूँ और यहाँ बिना बोट या शिप के आप कहीं नहीं जा सकते। इसमें इतने लोग और व्हीकल आते होंगे कभी सोचा नहीं था। पर्सन और व्हीकल का अलग से टिकट लेना पड़ता है, 100 के पास हो जाता है। अगर बड़ी गाड़ी है तो चार्ज थोड़ा ज्यादा रहेगा। 8 से 10 मिनट का सफर बड़ा ही सुहाना है अगर मौसम अच्छा हो तो। हम जा रहे हैं अंडमान के मणिपुर नेशनल पार्क। लेट्स सी वहाँ कैसा है। इतने घने फ्रेश जंगल मैंने कभी नहीं देखे, सच में नेचर तो जैसे यहीं पर मेहरबान है। तो फाइनली पहुंच गए हैं। माउंट हैरियट का नाम चेंज होके अब मणिपुर पर्वत नेशनल पार्क हो गया है और ये अंडमान के पोर्ट ब्लेयर से फेरी के साथ अराउंड 15 से 20 किलोमीटर 365 मीटर की हाइट पर है। यार बहुत ही सुंदर नजारा है। अब चेक कीजिएगा, 20 रुपए के नोट पे जो पिक्चर है वो यहीं से लिया गया है। मन करता है यहीं पे रह जाओ। आदिवासी कुछ इस तरह की झोपड़ी में रहते हैं ऐसा कहा जाता है। यहाँ स्टे करने के लिए रूम्स भी अवेलेबल हैं, पर एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। जन्नत भी शायद ऐसा ही होगा। देखो यहाँ से नॉर्थ आइलैंड भी दिख रहा है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से जनवरी है। ये सिटी के शोर से दूर बहुत ही एकांत वाली जगह है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। हम आए तो गर्मी थी यहाँ पर, अब रोज बारिश हो रही है। इवन यहाँ आकर भी हम इवनिंग तक फंस गए, इतना तूफान के साथ बारिश आया कि हम निकल ही नहीं पाए। बाय। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे और भी आइसलैंड की वीडियो आने वाली है।